दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक्निकल घर पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कैसे हम अपने मोबाइल को एक ऐसे तरीके से इसके नेटवर्क को जाम कर दें कि किसी का भी कॉल ना आए। लेकिन मोबाइल का नेटवर्क जाम होने पर भी आपका इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब सब चलेगा, लेकिन कोई कॉल नहीं आएगी। जब भी कोई व्यक्ति आपको डायल करेगा तो आपका मोबाइल इंगेज आएगा और नेटवर्क कवरेज एरिया से बाहर बताएगा। तो इस तरह की सेटिंग के कैसे किया जाता है, मैं ये ट्रिक आज आपको बताऊंगा। दोस्तों ऐसा आपको पता है, जब आप कभी मोबाइल के नेटवर्क से परेशान हो जाते हैं, लोगों के कॉल खूब आते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, आप अपना पर्सनल काम भी नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए आप कुछ फेसबुक, व्हाट्सएप पे कुछ सर्च करना है, यूट्यूब पे वीडियो देखनी है और बार बार कॉल आ रहा है, आप इससे परेशान हो जाते हैं। तो यह तरीका आपको एक मैं जो बताने जा रहा हूँ बहुत ही अच्छा तरीका है। इस तरीके को जब आप अपने मोबाइल में सेटिंग करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कॉल रिसीव नहीं होगी। लेकिन आप अपना फेसबुक, व्हाट्सएप और सब कुछ बड़ी आसानी से चला सकेंगे, वो भी बहुत ही तेज़ स्पीड में। तो ये तरीका मैं आज आपको करके दिखाऊंगा, यह तरीका कैसे किया जाता है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी मोबाइल पे जाना है, आपको ये सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, सेटिंग पे क्लिक कर लेना। सेटिंग में जाने के बाद आपको ये मोर कनेक्शन सेटिंग का ऑप्शन आएगा, हर मोबाइल में अलग अलग होता है, लेकिन आप ध्यान रखना कि मोर कनेक्शन में आपको जाना है, ठीक है। इतना आप करना, फिर इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। दोस्तों ये तो दोस्तों आगे की ट्रिक मैं आपको बताने से पहले कहना चाहता हूँ, आपको मेरे इस YouTube चैनल टेक्निकल गर्ल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन पर चेक लगाना होगा। इससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी और आप ऐसी ही बेहतरीन बेहतरीन जानकारियाँ पाते रहेंगे। तो देर किस बात की, वो जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक कर देना और वो सब्सक्राइब हो जाएगा। दोस्तों तुम्हारे सब्सक्राइब से और लाइक से, वीडियो को शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं इससे भी अच्छी अच्छी ट्रिक आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो आप जाके मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। हाँ, ये मेरी मेहनत का एक मेरे लिए एक इनाम है, ये आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करेगा, इसलिए मैं आप लोग से कह रहा हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये ट्रिक अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट में बताना कि यहाँ बड़ा बेनिफिट मिला है आपको। तो ये ट्रिक आज तक किसी भी यूट्यूबर ने आपको नहीं बताया होगा कि कैसे हम अपने मोबाइल के नेटवर्क को जाम कर दें, लेकिन कोई भी कॉल मुझे ना आए पर मैं अपना यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप सारे ऑनलाइन काम कर सकूँ, लेकिन मुझे कोई भी कॉल ना आए, ठीक है। तो ये वो ट्रिक है, ऐसी ट्रिक आज तक किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिलेगी। हो सकता है कि मेरा ये वीडियो देखने के बाद ये ट्रिक वायरल हो जाए और इस तरह की वीडियो फिर आपको कई चैनल पे देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों मैं बहुत अच्छा यूट्यूबर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास काफ़ी जानकारी है, ये आप देख सकते हो। मैं अपना स्क्रीन भी रिकॉर्ड करके आपको दिखा रहा हूँ कैसे काम हो रहा है। ये मेरा कंप्यूटर है, ये मेरा दूसरा मोबाइल है जिससे मैं आपको कॉल करके दिखाऊंगा। तो अब मैं आगे की प्रक्रिया आपको दिखाता हूँ कैसे काम होता है। मैंने अपने स्क्रीन का लॉक खोल दिया है, यस। तो आपको सेटिंग में आना है,
सेटिंग के बाद आपको मोबाइल नेटवर्क्स में जाना है। उसके बाद आपको ये एक्सेस पॉइंट नेम का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको APN पे क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं जियो का नेटवर्क चला रहा हूँ। ये जियो का जो नेटवर्क है, सिर्फ यह ट्रिक जियो पे ही नहीं, बाकी सारे ऑपरेटर पे भी काम करेगा। मैं बकायदा आपको कॉल करके एक बार दिखा देता हूँ कि मेरे मोबाइल पे कॉल आ रही है। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो को देखते रहना। या आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये मेरा एक बेसिक मोबाइल पड़ा हुआ है। मैं इस पे से अपने इस मोबाइल नंबर पे कॉल करने जा रहा हूँ। ये स्क्रीन काफ़ी ब्राइटनेस है, जिस वजह से ये आप देख सकते हो, मैं अपने नंबर को डायल करने जा रहा हूँ। आप ये देख सकते हो स्क्रीन पे, ये स्क्रीन फोकस होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, पास में मोबाइल रखा है। तो मैं इस पे अभी कॉल करूँगा तो इस मोबाइल पे कॉल आना शुरू हो जाएगा। ये मैं एक्सपेरिमेंट के उस पे दिखा रहा हूँ आपको। ये मैं डायल कर रहा हूँ, देखिए डायल हो रहा है। मैं अपना नंबर छुपा देता हूँ ताकि आप लोग ना देख पाएँ। ये देखिए, इस पे कॉल आने लग गई है। आप देख रहे हो, मैं स्क्रीन पे कॉल कर रहा हूँ, कॉल आना शुरू हो गया है। ये मैंने फ़ोन कट कर दिया है, ठीक है। अब मैं आपको सेटिंग दिखाने जा रहा हूँ। स्क्रीन पे आप देख सकते हो, ये मेरा मोबाइल रखा हुआ है जिससे मैंने कॉल किया था। अब मैं आपको वो सेटिंग करके दिखाऊंगा कि ये जो कॉल अभी आई है, दोबारा कॉल नहीं आएगी। इसकी जगह पे बताएगा नेटवर्क नॉट रीचेबल। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है अपने APN जियो वाले पे। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर बैरियर अन स्पेसिफाइड लिखा हुआ है। ये जो बैरियर है, अनस्पेसिफाइड लिखा हुआ है। आपको यहाँ नीचे मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर का ऑप्शन दिख रहा है, मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर। ये जो ऑप्शन आप देख रहे हो, इस पर आप क्लिक करना। इसमें देखो, मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर टाइप लिखा हुआ है, SPN, IM, SI और GID। इसमें ये तीन ऑप्शन दिए रहते हैं, ठीक है। इन तीनों का अलग ही अलग काम होता है। तो जो नेटवर्क जाम करने के लिए जो मैं तरीका बता रहा हूँ, वो इस ऑप्शन से होगा, ठीक है। यहाँ पे जब आप GID लगा देते हैं, तो मोबाइल ऑपरेटर का ये जो नेटवर्क ऑपरेटर है, यहाँ पे कई बार F लिखा हुआ है, यानी कि ये ऑपरेटर की जो वैल्यू है, इसको न्यूमेरिक की जगह अल्फ़ा न्यूमेरिक में अल्फ़ाबेटिकल कर दिया गया है, जिस वजह से इसको नेटवर्क का वैल्यू नहीं मिलता, ठीक है। जिस वजह से ये नेटवर्क जाम बताता है। फिर आपको यहाँ मोर पे जाके इसको सेव कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों, आपका काम हो गया, ठीक है। अब मैं आपको दोबारा मोबाइल स्क्रीन पे दिखाता हूँ कॉल करके। तो ये मेरा बेसिक मोबाइल पड़ा हुआ है, आप देखो, ठीक है। मैं फिर से उसी नंबर को डायल करूँगा, फिर देखना स्पीकर पे रखूँगा, देखना क्या बताता है। देखना भी, सुनना भी, और क्या, ठीक है। देखो, मैं बहुत बढ़िया टेक्निकल का जानकार हूँ, और आप देखो, ये मेरा मोबाइल नंबर है। मैं इसको फिर से डायल कर रहा हूँ, अब देखना क्या बताता है। और मैं मोबाइल को स्पीकर पर कर दिया हूँ, आप सुनो ताकि। तो दोस्तों, ये था तरीका
इस तरह से मैंने मोबाइल के नेटवर्क को जाम कर दिया है। लेकिन दोस्तों, इसने सिर्फ मोबाइल के इनकमिंग और आउट गोइंग इन दोनों के नेटवर्क को इसने जाम कर दिया। लेकिन आप देख रहे हो, हमारे स्क्रीन पे अभी भी टावर आ रहा है। ये देखिए, टावर 100% आ रहा है, ठीक है ना। और इंटरनेट भी इस पर एक्सेस है। आइए अब मैं आपको यूट्यूब पे कोई वीडियो चला के दिखाता हूँ। आप देख लो, मेरे स्क्रीन पे कोई भी वाईफाई के थ्रू भी कोई नेटवर्क नहीं चल रहा है। आप देख सकते हो, मेरा वाईफाई ऑफ है। मेरा सिर्फ ये हॉटस्पॉट है जो एनी डेस्क को कनेक्ट किया हुआ है, और मेरे इस कैमरे को जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको कनेक्ट किया। बाकी ये मेरा मोबाइल डेटा है जो ऑन है। अब मैं आपको मैंने दिखा दिया कि कोई कॉल नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन अब जब आप कोई नेट चलाओगे तो वो चलेगा। जैसे मान लो मैं यूट्यूब खोलता हूँ, आप देख सकते हो, ये पूरा मैं लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखा रहा हूँ। देखो, ये मेरा यूट्यूब है, ऑनलाइन स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो, यूट्यूब भी पूरा यहाँ पे खुल रहा है। ये मेरा टेक्निकल घर है, ठीक है। देखो, वीडियो चल रहा है बाकायदा पूरा। दोस्तों, मैं कोई वीडियो आपको प्ले करके ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि इस पर कॉपीराइट आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो आप लोग इस तरह से मेरी वीडियो को देखो। जैसे मान लो ये कोई वीडियो चल रही है ऐसा, ठीक है ना, तो मैं इसको ज़्यादा देर प्ले नहीं करूँगा, कॉपीराइट आ जाएगा। तो आप देखो, यहाँ कितने लोग का वीडियो है, और बहुत ज़्यादा बढ़िया तेज़ी से स्पीड से नेट चल रहा है इसका। इसमें दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अब मैं चलो यूट्यूब बंद करता हूँ, अब कुछ और चला के देखता हूँ। सपोज डैट मान लो मैं खोलता हूँ, प्ले स्टोर खोल लेता हूँ, कुछ ही डाउनलोड करके देख लेते हैं, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि यहाँ नेट बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है ना। मान लो मैं देखूँ यहाँ पे क्या चीज़ मैं डाउनलोड कर लूँ, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। ये सब तो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं, हालांकि मैं डाउनलोड नहीं करना चाहता हूँ। चलो कैंसिल कर देता हूँ, लगा देता हूँ डाउनलोड पे, ताकि आप बस देख लो कि यहाँ डाउनलोड हो रहा है। मतलब इसके हमने क्लिक कर दिया, ठीक है ना। 52 MB का सॉफ्टवेयर है ये एंड्रॉयड ऐप पे। बिल्कुल लाइव चल रहा है, कोई मैं आपसे कोई गलत चीज़ नहीं बता रहा हूँ। देखो, स्क्रीन पे भी वही चल रहा है, मेरे मोबाइल पे भी वही चल रहा है, कोई झूठ नहीं है, सब ओरिजिनल काम मैं करता हूँ। आप इसको ऐसे ही इंस्टॉल पे क्लिक कर दो, अभी भी आप देख सकते हो मेरा कोई भी वाईफाई से कनेक्ट नहीं है, सिर्फ मोबाइल का नेटवर्क डेटा कनेक्ट है, ठीक है। देखो, ये स्क्रीन पे घूम रहा है, बिल्कुल ओरिजिनल काम दोस्तों मैं करके दिखाता हूँ। इस वजह से एक लाइक तो बनता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों को बताओ मेरे चैनल के बारे में, मुझे काफ़ी खुशी होगी इस चीज़ को लेके। दोस्तों, अभी ये डाउनलोडिंग पर लगा हुआ है, ये अभी मेरे मोबाइल के स्पेस को वेरीफाई कर रहा है। देखो कितनी तेज़ी में इंस्टॉल हो रहा है, 3%, 4%। अभी इसकी स्पीड और बढ़ जाएगी, क्योंकि ये सिंगल बैंडविड्थ पे चल रहा है इस समय। मल्टीपल बैंडविड्थ में क्या होता है कि डेटा का आउट गोइंग इनकमिंग होता है, और फिर आपका नेटवर्क भी ऑडियो वीडियो में जाता है, जिस वजह से नेटवर्क स्लो हो जाता है। ऐसे ये सिंगल फेस पे काम कर रहा है, तो इसकी स्पीड बहुत तेज है। तो इस तरह से दोस्तों मैं इसको अभी कैंसिल करता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, दिखाने के लिए सेव इंस्टॉल किया था। तो अब मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ। अब दोस्तों, जब मैं यहाँ से उस सेटिंग को दोबारा हटाऊँगा, तब आप देखना वो मिस कॉल अलर्ट का भी वो आ जाएगा। अब जैसे आपको यहाँ जाना है, मोबाइल कनेक्शन, मोबाइल सेटिंग में जाना है, मोबाइल नेटवर्क में जाना है, APN पे जाना है, ठीक है। फिर यहाँ जियो के नेटवर्क पे जाएंगे, और फिर यहाँ पे आपको वही ऑप्शन पे दोबारा जाना, GID की जगह आपको नन लगा देना है। और जैसे ही आपको मैं बता दूँ, इस पे एक मिस कॉल अलर्ट सिस्टम लगा हुआ है। हालांकि ये मोबाइल नेटवर्क कवरेज से बाहर हो गया था, जिस वजह से कॉल मुझे नहीं प्राप्त हुई। अब जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, मुझे वहां से वो SMS आ जाएगा, जिस मोबाइल से मैंने कॉल किया था, कि उनका कॉल मेरे इस जियो मोबाइल पे किया गया था। जैसे ही मैं सेव करूंगा,
अभी आप तो देखना एक SMS आएगा, देखिए कितनी देर में आता है SMS। ये मिस कॉल का जो अलर्ट है जियो की तरफ से प्रोवाइड होता है, और बिल्कुल यूनिक मैंने ये तरीका खोजा है। ऐसा तरीका आपको कहीं यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा। मेरे चैनल को बस सब्सक्राइब कर देना, मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है। तो दोस्तों देखो मेहनत कर रहे हैं, देखो दोस्तों ये मिस कॉल का ऑप्शन आ गया फिर से, ठीक है, मिस कॉल अलर्ट का ऑप्शन आ गया। तो इस तरह से मेरी जो बनाई हुई ट्रिक है ये सफल हो गई है। अब मैं दोबारा कॉल करूँगा तो इस पे कॉल आना शुरू हो जाएगा। ये वीडियो मैंने कहीं से भी काट पीट नहीं किया है, ये बिल्कुल मेरी मेहनत है पूरी। सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए मैं ऐसी बढ़िया बढ़िया ट्रिक भी लाता हूँ, और इसी से ही मेरा मोटिवेशन मिलता है। देखो स्पीकर पे कर दिया हूँ, ठीक है ना, ताकि आप सुन सको। देखो ठीक है, तो इस तरह से कॉल आना शुरू हो गया। दोस्तों ये ट्रिक मेरी सफल हो गई है। अब आप भी कहीं भी रहो, ऑफिस में रहो, इधर उधर रहो, ठीक है, आप इस तरह से तरीके को जब फॉलो करोगे तो कहीं भी रहोगे आप, जब चाहो अपने मोबाइल को इंगेज कर सकते हो, ऑफिस से बाहर निकल जाओ, कहीं से भी बाहर चले जाओ, कोई आपको डायल नहीं कर पाएगा। सबको यही लगेगा कि आप कवरेज क्षेत्र में है ही नहीं, नेटवर्क आ ही नहीं रहा है, इसलिए हम उसको वो बात बता ही नहीं पाए। या ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं चाहते, बेवजह कोई कॉल करे, या हम किसी काम से बचना चाहते हैं, या कुछ भी हो सकता है ना। तो इस तरह की ट्रिक से आप जो है बच सकते हैं, एक्स्ट्रा काम से बच सकते हैं, अपनी किसी भी प्रकार की परेशानियों को बच सकते हो। तो कई सारी चीज़ें अपवाद हैं जिसको आप अपने अनुसार कुछ भी कर सकते हो। मैं ऐसा करता हूँ, ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। तो अब ये है कि अगर अच्छा लगा है तो भाई एक काम कर दो, बस सब्सक्राइब कर दो यहाँ पे चैनल को हमारे। बहुत मुश्किल से देखो क्या क्या सेटअप मैं बना कर लाता हूँ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे फिर एक ऐसी वीडियो में, फिर से ऐसी जबरदस्त जानकारी के साथ, की तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, धन्यवाद।